आज बसंत पंचायत अशोगी में बोधि माता स्थान पर बेरिया की मुखिया रूबी देवी और संघर्ष समिति के संयोजक संजय सिंह के द्वारा लोगों को बताया गया कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं और क्वारंटीन और होम क्वारंटीन में रह रहे हैं उनको सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधा देनी है। साथ रूबी देवी और संजय सिंह ने कहा कि जो लोग क्वारंटीन रहे थे उनको सरकारी सुविधा नहीं मिली है, उनको वह सुविधा दिलाने का काम करेंगी। और जो लोग होम क्वारंटाइन चले गए हैं उनको अगर उनके पास टिकट है और उनकी एंट्री हुई है तो 1000 रुपये उनको जाना है। तो इसका धरातल पे कितना अनुपालन हो पाया है यह जानने का प्रयास हमारे पास है, हमारा है। हम यहाँ पे नोटिंग भी कर रहे हैं उन लोगों का जो लोग होम क्वारंटाइन में रहे हैं, उन लोगों का भी जो क्वारंटाइन सेंटर में रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में उनका क्या अनुभव रहा है, क्या क्या वस्तुएँ उनको मिली है और एक ही साइटों में से कौन कौन सा आइटम ऐसा है जो उन तक नहीं पहुँचा है, यह जानने का हमारा प्रयास है। जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं वो तमाम लोग या तो होम क्वारंटाइन में रहे हैं या फिर क्वारंटाइन में रहे हैं। तो क्वारंटाइन में रहे हैं तो उनको जो जो वस्तुएँ मिली है वो हम को सूचित कर रहे हैं, हम उनका नोटिंग कर रहे हैं। उसके आधार पे हमको आइडिया लग रहा है कि इतने लोग हैं जिनको ये वस्तुएं नहीं मिली, इतने लोग हैं जिनको ये वस्तु मिली। कई बार देखने से ऐसा लग रहा है शायद एक किट में से कई लोगों को हटाने का प्रयास भी किया होगा, यही शायद कारण होगा कि 21 में से 5 या 7 लोगों को गया होगा। हमारे साथ रूबी मुखिया जी हैं बैरिया पंचायत, ये आपको इसी को लेकर जब आदेश आ गई 19 अप्रैल, लेकिन 18 मई तक हमको बताया गया कि कोई निर्देश ही नहीं है। इसको लेके हमने आमरण अनशन भी रखा, लेकिन वहाँ जब हमको लिखित मिला हुआ है कि सारे चीज़ उपलब्ध करा दिए जाएंगे जो बच्चे होम क्वारंटाइन में हैं या क्वारंटाइन सेंटर से लौटे हैं, जो प्रवासी मजदूर का अब अपने पंचायत का उसको प्रवासी मजदूर के नाम से दे दिया। सबसे बड़ा दुख की बात है कि उसको प्रवासी मजदूर के नाम से हम लोग जानते हैं या उसका नाम दे दिया गया है, तो उस प्रवासी मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर पे भोजन सिर्फ मिला है सामान के नाम पे, समझ लीजिए जैसे बताया संजय जी की अटाने का प्रयास है, मतलब एक व्यक्ति में 2 आदमी को दिया गया, किसी को मच्छरदानी मिला है तो किसी को दरी नहीं, किसी को दरी मिला है तो किसी को थाली मिला, किसी को पेस्ट मिला है तो किसी को पेस्ट नहीं मिला है। ये 21 सामान जब हम आमरण अनशन पर बैठे उस दिन मेरे पंचायत में 21 सामान पंचायत में बटा था जो 4-5 सेंटर थे वहाँ पे, लेकिन अभी भी यहाँ हम इसलिए मिल रहे हैं कि जब हमको लिखित मिला है तो मेरा जानने का ये अधिकार है कि उसके बाद अब तो काफ़ी समय हो गया, आज हो गया 15 जून, तो 15 जून में बहुत जल्दी तो हम किए नहीं हैं। हमको मेरा आमरण अनशन टूटा था कितनी तारीख को, हमने 2 को आमरण अनशन तोड़ा था, आज लगभग 13 दिन बाद मतलब 2 हफ्ते बाद हमें यह जानने का अधिकार है कि आखिर उसका धरातल पे एग्जीक्यूशन कितना हुआ है। तो यही जानने के प्रयास में हम लोग निकले हैं और इसकी शुरुआत अशोकी से चल रहे हैं। आपके न्यूज़ के माध्यम से यह बात हमारी लोगों तक, सत्ता तक, प्रशासन तक पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।